उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर पूरी दुनिया में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि किम का ब्रेन डेड हो गया है, तो कोई कह रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं। इसी बीच जापान और हांगकांग से आ रही खबरों के मुताबिक किम जोंग उन की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक मिसाइल परीक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इसलिए वो इन दिनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस अधिकारी ने यह दावा किया है वो किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी के पूर्व अधिकारी हैं, जिनका नाम ली जियोंग है। दक्षिण कोरिया के एक पेपर में ली जियोंग ने जानकारी देते हुए कहा कि किम जोंग उन 14 अप्रैल तक स्वस्थ थे और उन्होंने मिसाइल टेस्ट का आदेश दिया था। हो सकता है कि इस दौरान वो घायल हो गए हों, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे हैं। ली जियोंग ने दुनिया भर की मीडिया में चल रहे तानाशाह की ब्रेन डेड की खबरों को भी खारिज किया है। दुनिया भर में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दिखाई क्यों नहीं दे रहे। उनके बारे में आ रही तमाम खबरों की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।